हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। मेरा नाम कोमल है और आज मैं आप सबको बिहार के 38 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कैसे हम मैप के द्वारा बता दें कि कौन सा ज़िला कहां पर है ये, इसके साथ साथ वो 38 ज़िले कौन कौन से हैं ये भी आपको याद हो जाएगा। मैं आपको इतना तो वादा कर ही सकती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक अगर आपको कोई खाली बिहार का नक्शा पकड़ा दे तो उसमें भी आप आसानी से कौन सा ज़िला कहाँ पर है ये बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले 12 जो ज़िले हैं उनके नाम बताने जा रही हूँ जिनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में ऐसे 4 ट्रिक रहेंगे, उन चारों ट्रिक के माध्यम से आप पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट को याद कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा। तो यहाँ पर इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक ये है कि आपको विक्की कौशल और कैटरीना कैफ तो याद ही होंगे बिल्कुल, जो थोड़ी दिनों पहले ही शादी किए हुए हैं, है ना। तो आपको इन्हीं दोनों को याद रखना है और इन्हीं दोनों के ऊपर ही मैंने ये पहली ट्रिक बनाई है जो कि बहुत आसान है। तो ट्रिक क्या है, पश्चिम और पूर्व शहर में सीता बहन को शक पूरा कैटरीना की मासा पर था। किस पर था, कैटरीना की मासा पर। तो मासा किसे कहते हैं, जो सासू माँ होती है ना उसे ही मासा कहते हैं। और यहाँ पर जो सीता बहन है वो एक बहुत बड़ी पुलिस इंस्पेक्टर है और वो जांच पड़ताल कर रही हैं पूर्वी और पश्चिम शहर में सीता बहन का शक पूरा कैटरीना की मासा पर था। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। तो यहाँ पर पश्चिम से हमें पश्चिम चंपारण याद रखना है, पूर्व से पूर्वी चंपारण, शहर से शिवहर याद रखेंगे, सीता से सीतामढ़ी याद रखेंगे, जो सीता के बाद बेन आ रहा है बेन से हम लोग मधुबनी याद रखेंगे। ठीक है, और शक, शक अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो SAK ये लेटर से मिलकर बनता है शक। तो शक में जो S है उससे हम लोग सुपौल याद रखेंगे, A से अररिया याद रखेंगे और K से किशनगंज याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिए कि ये सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट मैं बता रही हूँ बिल्कुल आपको मैप में वन बाय वन करके दिखाई देते रहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद शक, शक के बाद शक किस पर था, पूरा कैटरीना की मासा पर था। ठीक है, तो शक के बाद पूरा, तो पूरा से हम लोग पूर्णिया याद रखेंगे, कैटरीना में जो KA है क उससे हम लोग कटिहार याद रखेंगे, कैटरीना कटिहार याद करने में आसानी है। ठीक है, इसीलिए मैंने कटरीना नाम चुना है कि कैटरीना बहुत सुंदर भी है और उससे आप लोगों को ये जो 12 ज़िले हैं आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद मासा, ठीक है, तो मासा में माँ से हम लोग मधेपुरा याद रखेंगे और सा से हम लोग सहरसा याद रखेंगे। तो यहाँ पे सहरसा भी था एक डिस्ट्रिक्ट। तो ये पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको आप लोग एक ही ट्रिक से याद रखने वाले हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको याद रहेगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या था, पश्चिम और पूर्व शहर में सीता बहन को सब पूरा कैटरीना के सासू माँ पर था। ओके, तो यहाँ पे सासू माँ और मासा, तो ये आप लोग अगर सासू माँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा ईजी है बोलने में तो आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब भी एग्ज़ाम में मैप को फिल करने की बारी आए या देखने की बारी आए तो वहाँ पे मासा ही से ही आपको सर्च करना है, माँ से मधेपुरा और सा से सहरसा। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन से ज़िले हैं जिनको याद करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिक से, वो हैं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर। तो इन ज़िलों को हम लोग एक आसान ट्रिक से याद करने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी माँ हमारी जो होती हैं, खासतौर पे यूपी बिहार में आपने देखा होगा कि जब मम्मी जाती है कहीं बहुत दूर बाज़ार में तो वहाँ से जब वापस आती है तो हम जो बच्चे होते हैं वो दौड़ते हैं मम्मी की तरफ, क्या लाइए क्या लाइए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब मम्मी आती हैं तो अब मम्मी कहाँ से आई हैं और क्या लाई हैं ये दोनों आपको इस ट्रिक के माध्यम से पता चलेगा। बस याद रखिए कि माँ गई थी कहीं पर और वो आई हैं घर पे, और घर पे आते ही वो क्या बोलती हैं, दरभंगा से माजा गोपाल के लिए लाई, सिसवा सामली के लिए। ओके, यहाँ पर क्या है ना कि जो सामली नाम की लड़की थी वो
मम्मी से अपने सीसा मंगवाई थी। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप यूपी और बिहार के हैं तो वहाँ पे हर एक नाम के बाद वा लग जाता है, जैसे कि ये नीतीशवा, ये अरुणवा, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है ना कि सीसा मंगवाई थी वो, मुंह देखने वाला सीसा, ठीक है। तो यहाँ पर दरभंगा गई थी उनकी माँ, तो वो क्या बोल रही है, आती दरभंगा से माजा गोपाल के लिए लाई और सिसवा सामली के लिए। तो यहाँ पे गोपाल उनकी लड़की का नाम था और सामली उनकी लड़की का नाम था, पता चल गया। और दरभंगा से लड़के के लिए क्या लाइन थी, माजा, और लड़की के लिए सिसवा। इसको याद रखिए, इसको एकदम सिक्वेंस वाइज ही आप बोलेंगे तभी आपको जिलों के नाम याद होगा। तो माँ आते क्या बोल रही है, दरभंगा से माजा गोपाल के लिए लाई और सिसवा सामली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दरभंगा से हमें दरभंगा जिला याद रखना है, ठीक है। माजा, माजा से हमें मुजफ्फरपुर याद रखना है, गोपाल से गोपालगंज, सिसवा में जो सी वर्ड है उससे सिवान याद रखना है, सा वर्ड है उससे हमें सारण याद रखना है, और वा जो शब्द है उससे हमें वैशाली याद रखना है। अब देखिए सी सा वा, इसमें सी सा वा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पहले लेटर से मिलकर ये सिसवा बना है, याद रखना है ये बात, ठीक है आप लोगों को। सी सा वा, सी से क्या सिवान, सा से सारण, वा से वैशाली, ठीक है। इसके बाद सामली के लिए लाई, तो सामली के लिए, तो सामली से हम क्या याद रखने वाले हैं, समस्तीपुर, ठीक है। आई होप सो आपको याद हो गया होगा। माँ आते क्या कहती है, दरभंगा से माजा गोपाल के लिए लाई और सिसवा सामली के लिए, ओके। तो दरभंगा से दरभंगा, माजा से मुजफ्फरपुर, गोपाल से गोपालगंज, सिसवा, तो सिसवा में सी से सिवान, सा से सारण, वा से वैशाली, और सामली के लिए लाई, तो सामली से हम लोग समस्तीपुर याद रखेंगे। मेहनत पसंद आ रहा है तो थोड़ा प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए, और अगर ट्रिक थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आपको नेक्स्ट कौन से राज्य के जिलों को याद करने का ट्रिक चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर वो वीडियो जल्दी बनाऊंगी। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने मैप पे बनाई हैं उस पर बहुत ही आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेंट किए हैं, तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी पसंद आता है तो वो लाइक कर सकते हैं, और जो थोड़ा अपनी बातें मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है और बताने का और समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, भले ही हफ्ते में एक, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊँगी। और आई प्रॉमिस, आप सबसे मैं प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि आप सबकी जितनी भी आशाएँ हैं मुझसे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पहले इंसान तो ये सोचता है ना कि इस चैनल से मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला है तभी वो सब्सक्राइब करता है, तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच, और मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश करूँगी कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस पसंद आए, और आप इतनी अच्छी तो मेरी वीडियोस बने कि आप उसको शेयर भी कर पाए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर भी करिए और कॉमेंट करिए कि नेक्स्ट कौन सी ट्रिक वाली वीडियो बनाऊँ मैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थर्ड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ट्रिक में हम लोग कौन कौन से जिलों के नाम याद करने वाले हैं, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना। तो ये जो ज़िले हैं इनको हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, अब देखिए इस ट्रिक को याद करने से पहले आपको एक सिचुएशन है जो आपके आपको अपने माइंड में बनाना है, वो ये है कि जब भी हम बैंक पे जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम बैंक पे गए और हमारा काम निपट गया, ठीक है, हो गया एकदम आराम से, तो कितना अच्छा लगता है, और अगर हम बैंक पे जाएं और हमारा काम ना हो तो कैसा लगता है, बहुत बेकार। तो ठीक वैसे ही क्या होता है ना यहाँ पर, तो एक लड़की है वो बैंक जाती है, उसका काम ही हो नहीं पाता है, तो क्या कहती है, बेकार में भागते हुए बैंक आई, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, ओके। तो यहाँ पर जो ये ट्रिक है इसको आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, बेकार में भागते हुए बैंक आई, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसको याद करने का बहुत आसान ट्रिक है, देखिए बेकार में जो बे है उसे तो बेगूसराय याद रखेंगे, और कार, कार कैसी होती है, ये तो एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी, कार एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी से हम लोग खगड़िया याद रखेंगे। तो बेकार में बे से बेगूसराय और कार यानी कि गाड़ी, तो कार से हम लोग खगड़िया याद रखेंगे। आगे आते हैं इसमें, बेकार में, बेकार में के बाद क्या है, भागते, तो भागते से हम लोग भागलपुर नाम याद रखेंगे। भागते हुए बैंक, तो बैंक, बैंक से हम लोग बांका याद रखेंगे, बांका जिला को, ओके। और इसके बाद मेरा, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया,
मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो मेरा से हम लोग मुंगेर याद रखेंगे, लक्ष्य से हम लोग लखीसराय याद रखेंगे, पूरा से हम लोग शेखपुरा याद रखेंगे, और नहीं हो पाया तो नहीं से हम लोग नालंदा याद रखेंगे, और पाया से हम लोग पटना याद रखेंगे। बात समझ में आ गई। बेकार में हमें दो जिलों के याद रखना है। बेकार में भागते हुए बैंक आई, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो बेकार में बे से क्या याद रखना है, बेगूसराय। कार, तो कार से हम लोग खगड़िया याद रखेंगे, ठीक है। तो बेकार में बे से बेगूसराय, और कार यानी कि गाड़ी, तो कार से हम लोग खगड़िया याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी मैप वाली वीडियोस और बनाओ तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपसे प्रॉमिस ये कर सकती हूँ कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। भागते हुए बैंक आई, तो भागते से भागलपुर, बैंक से बांका, ओके। मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, मेरा से मुंगेर याद रखेंगे, लक्ष्य से हम लोग लखीसराय याद रखेंगे, पूरा नहीं हो पाया तो पूरा से हमें शेखपुरा याद रखना है, नहीं से नालंदा, और पाया से पट्टा याद रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आपको मैप के द्वारा ये तो पता चल जा रहा होगा कौन सा वाला जो जिला है वो कहाँ पर है। बात समझ में आ रही है। और ट्रिक के द्वारा आपको ये भी याद हो जा रहा है कि कौन कौन से जिले हैं। समझ में आ रही है ना बात। आगे आते हैं नेक्स्ट ट्रिक, और ये इस वीडियो का लास्ट ट्रिक है। तो इस ट्रिक से हम लोग कौन कौन से जिलों को याद करने वाले हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ओके। तो यहाँ पर हम किस ट्रिक से याद करने वाले हैं, ट्रिक बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे एक हम लोग राजा की बात करेंगे, राजा, ओके। तो ये कहाँ के राजा है, कैमूर के राजा है, ठीक है, कहाँ के, कैमूर के। तो ट्रिक क्या है, भोजपुर और बक्सर में कैमूर के राजा गाना के साथ जश्न मनाए, ठीक है, गाना के साथ क्या मनाए, जश्न मनाए, ओके। भोजपुर और बक्सर में कैमूर के राजा गाना के साथ जश्न मनाए, तो भोजपुर से हम लोग क्या याद रखेंगे, सबको मालूम है भोजपुर से हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को याद रखेंगे, और बक्सर से बक्सर डिस्ट्रिक्ट को, और कैमूर से कैमूर डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन बात जब राजा की आती है, तो राजा में जो आर ए जे ए है, तो ये जो लेटर्स हैं इससे हम लोग अलग अलग शब्दों को याद रखेंगे। देखिए, जो आर लेटर है, आर से हम लोग याद रखेंगे रोहतास को, ए से अरवल को, जे से जहानाबाद को, फिर जो ए आएगा उससे हम लोग औरंगाबाद को याद रखेंगे, और गाना में भी दो डिस्ट्रिक्ट हैं, गा से गया और ना से नवादा, ओके। इसके बाद के साथ जश्न मनाए, तो जश्न से हम लोग जमुई को याद रखेंगे, जमुई को हम लोग जश्न से याद रखेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसमें हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट को याद करने वाले हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक है, भोजपुर और बक्सर में कैमूर के राजा गाना के साथ जश्न मनाए। अब देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो गौरैया पक्षी हैं, उन्होंने घोंसला बनाया है, और उनके 3 बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे हुए हैं। तो हालांकि बच्चे बहुत ऊपर हैं तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा 3 बच्चे करते हैं जब भी उनकी माँ उनके लिए दाना या फिर जो भी भोजन लेकर आती हैं। तो आवाज़ अगर डिस्टर्ब कर रही है तो सॉरी, और अच्छी लग रही है तो थैंक यू वेरी मच, ओके। तो ट्रिक क्या है, भोजपुर और बक्सर में कैमूर के राजा गाना के साथ जश्न मनाए। तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, तो इनसे तो हम लोग 3 जिलों को याद कर लेंगे। राजा में र से हम लोग रोहतास, ए से अरवल, जे से जहानाबाद, ए से औरंगाबाद याद रखेंगे, आर ए जे ए, यही 3 जिले हैं, ठीक है। गाना से हम लोग, गा से हम लोग याद रखेंगे गया को, और ना से नवादा को। के साथ जश्न मनाए, तो जश्न से हम लोग जमुई को याद रखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जो ट्रिक वाली वीडियो है, जो 4 ट्रिक्स हैं, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी ट्रिक से किसी का भी दिल दुखा हो तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था, मैं बस इस ट्रिक को इसलिए बनाई हूँ ताकि आपको आसानी से बिहार के सभी जिलों के नाम याद हो जाएँ, और अगर आपके पास कोई भी खाली मानचित्र आए बिहार का, तो आप उसमें आसानी से सभी जिलों के नाम बिना देखे लिख सकें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।